सय्यद बिल्डर यांचे महालक्ष्मी नगरी धर्मापुरी तालुका जिल्हा परभणी प्लॉट विक्री सुरू आहे। उपलब्ध सुविधा एन ए लेआउट प्लॉटिंगची अत्याधुनिक सुविधांसह सुसज्ज रम्य नगरी। एन ए लेआउट असल्याने बँकेकडून तात्काळ कर्ज सुविधा उपलब्ध। प्रत्येक प्लॉटची दिशा पूर्व पश्चिम। LED स्ट्रीट लाईटची व्यवस्था। निसर्गरम्य व भव्य गार्डन। अंतर्गत 50-40-30 फूट मजबूत डांबर रोड व CC नाली। विद्युत पुरवठा व स्वतंत्र DP व्यवस्था। धर्मापुरी पासून 500 मीटर अंतरावर प्लॉट जवळच शाळा आणि कॉलेज उपलब्ध। संपर्क हाजी शोएब 8805847777, सय्यद इम्रान 9421867786, ॲडव्होकेट आशिष सोनी 9422178888, अब्दुल रझाक 7057818999। मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक चलते हैं आज की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। खास खबर यह है कि ईद मिलादुन नबी के मुबारक मौके पर परभणी शहर के बादल भैया मित्र मंडल की जानिब से इनके उपाध्यक्ष शेख रफीक डिजिटल, इनके वालिद साहब शेख मूसा कादरी साहब और मामू सैयद जाकिर कादरी साहब ये साइकिल पर परभणी शहर से अजमेर शरीफ के लिए जाने वाले हैं। ये 9 अक्टूबर 2022 को परभणी शहर के संजय गांधी नगर यहाँ से रवाना होने वाले हैं और इनके जज्बात को देखते हुए संजय गांधी नगर के सभी लोगों ने इन्हें मुबारकबाद दी है और जिस तरह से ये लोग साइकिल पर अजमेर शरीफ जाने की कोशिश कर रहे हैं इन्हें तहे दिल से हर किसी ने मुबारकबाद दी है। परभणी शहर के जमैतुल कुरेश बकर कसाब खाटी इनकी जानिब से आज परभणी के जिला अधिकारी इन्हें निवेदन दिया गया और निवेदन देने के बाद में ये मांग की गई है कि जिस तरह से लंपी स्किन की बीमारी पिछले कई दिनों से चल रही है और लंपी स्किन की बीमारी के चलते पूरी तरह से आठवड़ी बाज़ार परभणी ज़िले के बंद है और परभणी ज़िले के जो आठवड़ी बाज़ार बंद है ये शुरू किए जाए, ऐसी मांग का निवेदन बकर कसाब कुरेशी समाज की जानिब से परभणी के जिलाधिकारी इन्हें निवेदन दिया गया। और इन्हें ही नहीं इनके अलावा परभणी महानगर पालिका की आयुक्त सांडभौर तृप्ति सांडभौर इन्हें भी निवेदन दिया गया और निवेदन देने के बाद में ये मांग की गई है कि आठवड़ी बाज़ार पूरी तरह से शुरू किए जाए। आइए जानते हैं माजी नगर सेवक सुनील बाबा देशमुख इन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है और क्या मांग इन्होंने की है खुद इन्हीं की जबानी। कुरेशी समाज की जानिब से ये मांग की गई है कि पिछले कई हफ्तों से परभणी शहर का परभणी का आठपड़ी बाज़ार बंद किया गया है और इन लोगों का सही बात है, बीच में पिछले 5-6 हफ्तों से गुरार बाज़ार अपने परभणी शहर का नहीं तो पूरे महाराष्ट्र के अंदर सब बाज़ार लगभग गवर्नमेंट ने बंद कर दिए है, उसकी वजह से अपने शेतकरियों को भी तकलीफ हो रही है। लेकिन ये जो बीमारी आए वाली लंपी रोग आए वाला है वो भी कंट्रोल में आना बहुत ज़रूरी है, इसलिए गवर्नमेंट ने जो भी उसके ऊपर उपाय ना करे उसके हिसाब से आज वो बीमारी बहुत सी आज थोड़ा कम होते गई है, अभी वो बीमारी लगभग कहीं दिख नहीं रही फिलहाल अभी। तो इसके लिए हमारे सब लोगों का कहना है कि गुरार बाज़ार जैसा पहले चल रहा था उस तरह से अभी चालू होना चाहिए और उसमें उसकी वजह से हमने कलेक्टर साहब को भी आज निवेदन दिया इसके बारे में कि गुरार बाज़ार अपना रेगुलर चालू करे। उसके बाद में हमने हमारे परभणी शहर महानगर पालिका के कमिश्नर उनको भी आपने निवेदन दिया है कि गुरार बाज़ार चालू करे और उसमें क्या है गुरार बाज़ार के अंदर भी उन्होंने जो गवर्नमेंट जो लेटर लिखे वाला है जो लंपी जो बीमारी है वो बीमारी जो है तो वो गोवंश बोले तो गाय जो बछड़े या गाय होती है उसको बीमारी लगती है ऐसा ये है। लेकिन उस हिसाब से उन्होंने गुरार बाज़ार के अंदर में जो शेड़ी मंडी का बाज़ार भरता है वो भी उन्होंने बंद कर दिया है। तो हमारे ये सब कुरेशी बिरादरी के सब लोग हैं उनका बोलना है कि गुरार बाज़ार तो चालू करना ही चाहिए, उसके अलावा अगर उसमें कोई तकलीफ हो रही है समझो तो, लेकिन ये शेड़ी मंडी का तो भी कम से कम अभी जल्द से जल्द चालू करना चाहिए, ये ऐसे हमारी एक डिमांड है। इसके अंदर शनिवार बाज़ार में भी मुर्गियों को नहीं आने दिया जा रहा है और शनिवार बाज़ार को भी बंद कर दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? तो शनिवार बाज़ार तो बंद नहीं, मेरे ख्याल शनिवार बाज़ार चालू है। आपकी महानगर पालिका के ही लोग शनिवार बाज़ार में मुर्गियों को नहीं आने दे रहे, मुर्गी व्यापारियों को नहीं आने दे रहे, ये अभी उसके बारे में मुझे तो ये विषय मालूम नहीं था, लेकिन वह मुझे मालूम रहता तो मैं भी इसके ऊपर बात करता था क्योंकि लंबी का और मुर्गियों का उसमें कोई ये नहीं है, तो इसलिए मुर्गियों को बाज़ार तो भरना चाहिए, मुर्गिया का बेचना और ये जो खरीदी बिक्री जो है वो चालू रहना चाहिए, ऐसा मैं उसके बारे में भी अभी कमिश्नर साहब से बात करता हूँ कि वो भी मार्केट जल्द से जल्द चालू होना चाहिए। अभी तो हमने मैं और हमारी सब टीम ने जो व्यापारी है और हमारे साथी सुनील देशमुख कलेक्टर मैडम को दिए हैं निवेदन, उन्होंने भी बोले कि एक हफ्ता ठहरने के बाद हम इसके ऊपर निर्णय करेंगे और ये इंशाल्लाह उताला ये जो है तो चालू हो जाएगा इसका काम, क्योंकि वो जो बीमारी है वो ख़त्म ही हो चुकी है। और जहाँ तक वो लंपिंग जो बीमारी का सवाल है तो वो इसमें नहीं है, वो बकरियों में और मेंढियों में, लेकिन फिर भी उन्होंने जानवर के हिसाब से इसको भी बंद किए,
तो अभी अभी हमने उनको निवेदन दिए, उन्होंने हमसे वादा किया कि भाई एक हफ्ता हम इंतज़ार करते हैं, उसके बाद आपको हम जवाब देते हैं और रेगुलर करेंगे। परभणी शहर का शनिवार बाजार में आए दिन चोरियों की वारदातें होती हुई नजर आती है और जिस तरह से यहाँ पर अठवाड़ी बाजार भरता है शनिवार के दिन हमेशा यहाँ जो लोग खरीदारी के लिए आते हैं ऐसे लोगों के पर्स मारे जाते हैं, ऐसे लोगों के पैसे चोरी किए जाते हैं। करीब ही यहाँ पर नारायणपेट पुलिस स्टेशन है, लेकिन पुलिस स्टेशन की जानिब से किसी तरह की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर नहीं दी जाती है और यहाँ पर किसी तरह से पुलिस की गश्त भी इस शनिवार बाजार में नहीं लगाई जाती है। उसके बावजूद यहाँ पर रेणुका माता मंदिर जिस तरह से यहाँ पर है और यहाँ इस मंदिर के सीसीटीवी कैमरे में वो हरकतें कैद हो जाती हैं जो यहाँ पर उठ पटांग हरकतें लोग करते हैं और चोरी करने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही एक वाकया यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। लूटमार करने वाले तीनों भी लोग जिन लोगों ने यहाँ पर लोगों को लूटा है वो तीन लोग अब सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं। ये नज़र आपको दिखा रहे हैं परभणी शहर के शनिवार बाज़ार का ये वाकया है और यहाँ पर जिस तरह से ये लोग सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं इन लोगों को अब पुलिस तलाश कर रही है। जो लोग यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं इन लोगों की तलाश परभणी शहर के नारायणपेट पुलिस की जानिब से इन लोगों की तलाश की जा रही है और ये जहाँ कहीं भी रहेंगे अब पुलिस के हाथों ये लोग बचने वाले नहीं हैं, ऐसा भी पुलिस की जानिब से माना जा रहा है। वसंत अनुसूचित जाति जमाती के शासकीय स्कूल का जिस तरह से यहाँ पर भूमि पूजन किया गया, हरिभक्त पारायण अच्युत महाराज दस्तापुर कर इनके हाथों से वसंत अनुसूचित जाति जमाती के स्कूल का यहाँ पर भव्य सांस्कृतिक सभागृह का यहाँ पर भूमि पूजन किया गया है और ये जिस तरह से आप देख सकते हैं कि अच्युत महाराज दस्तापुरकर यहाँ पर मौजूद है और यही नहीं इनके अलावा आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर श्री शिवानंद भीमगिरे ये भी यहाँ पर मौजूद थे, आमदार सुरेश रावजी वरपुड़कर इनके भी यहाँ पर मौजूदगी थी, आमदार राहुल पाटिल ये भी यहाँ पर आए थे, श्रीमती गीता गुट्टे ये भी यहाँ पर आई हुई थी और जिस तरह से संदीपान शेड़के ये भी यहाँ पर मौजूद थे, मेघनाथाई बोर्डिकर इन ये भी यहाँ पर मौजूद थी। जिन लोगों को दावत दी गई थी उनमें परभणी के SP जैन पीना ये भी थे। वसंतराव धाड़वे इनका स्कूल है और जिस तरह से वसंतराव धाड़वे ये काम करते हुए नजर आ रहे हैं इस स्कूल में पूरी तरह से इस सभा मंडप का भूमि पूजन अच्युत महाराज दस्तापुरकर इनके हाथों से किया गया है। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया मान्यवरों ने दी है और क्या कहा है खुद इन लोगों की जबानी जिस तरह से अच्युत महाराज दस्तापुरकर इनके हाथों से भूमि पूजन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से हरिभक्त पारायण अच्युत महाराज दस्तापुरकर इनके हाथों से इस वसंत अनुसूचित जाति जमाती के प्राथमिक व माध्यमिक आश्रमशाला के सभा मंडप का भूमि पूजन किया जा रहा है। इस वक्त बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद थे। इनके अलावा इस वसंत अनुसूचित जाति जमाती के प्राथमिक व माध्यमिक आश्रमशाला के विद्यार्थी यहाँ के स्टाफ मेंबर पूरी तरह से यहाँ पर मौजूद थे। इनके अलावा यहाँ पर आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया मान्यवरों ने दी है और क्या कहा है इन्हीं की जबानी। पर्टिकुलरली आज नवा आकांक्षा सेवाभावी मंडल परभणी द्वारा संचालित वसंत प्राथमिक व माध्यमिक अनुसूचित जाति आश्रमशाळा कारेगाव जिल्हा परभणी येथील सांस्कृतिक सभागृहाच्या भूमिपूजन सोहळ्यात आज मी उपस्थित होतो। सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी ज्या शैक्षणिक सुविधा ही मूलभूत सुविधा आहे विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीसाठीची ती प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये उपलब्ध केली जाते आणि वसंतरावजी धाडवे हे परभणी जिल्ह्यामध्ये शैक्षणिक कार्य मोठ्या प्रमाणावर करतात आणि या भूमिपूजन सोहळ्यास उपस्थित राहून मला एक आनंद झालेला आहे आणि मी त्यांच्या पुढील वाटचालीस त्यांच्या शैक्षणिक संस्थेच्या वाटचालीस शुभेच्छाही व्यक्त करतो आजच्या प्रसंगी। मी सहायक आयुक्त समाज कल्याण गीता गुप्ते। आज या ठिकाणी वसंत अनुसूचित जाती प्राथमिक व माध्यमिक आश्रमशाळा या शाळेच्या सांस्कृतिक हॉलचे उद्घाटन सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे माननीय सहसचिव दिनेशजी डिंगले साहेब यांच्या हस्ते या ठिकाणी झालेलं आहे। शाळेच्या अध्यक्षांचा मानस शाळेला महाराष्ट्रामध्ये मॉडेल स्कूल म्हणून ओळख मिळावी यासाठी आहे आणि या उपक्रमशील शाळेला पुढील भविष्यासाठी आणि पुढील वाटचालीसाठी खूप खूप शुभेच्छा देते।
आणि सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग आपल्या पाठीशी राहिले अशी ग्वाही मी या ठिकाणी सामाजिक न्याय विभागाचे सहसचिव सन्माननीय दिनेश जिंगळे साहेब यांच्या शुभ हस्ते वसंत अनुसूचित जाती प्राथमिक माध्यमिक आश्रमशाळेच्या सांस्कृतिक सभागृहाचं भूमिपूजन आज त्यांच्या हस्ते व या सामाजिक न्याय विभागाच्या परभणीच्या सहायक आयुक्त सन्माननीय गीता गुट्टे मॅडम यांच्या अध्यक्षतेखाली व अच्युत महाराज यांच्या आशीर्वादक उपस्थितीत आजचा हा कार्यक्रम या ठिकाणी संपन्न झाला. मला मोठ्या स्वाभिमानानं आनंदानं सांगावंसं वाटतं की ज्या हालअपेष्ट्या मला शिक्षण घेत असताना भोगावं लागल्या तर त्या माझ्या मागासवर्गीय अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना त्या अडचणी येऊ नयेत म्हणून ही शाळा एक चांगली मराठवाड्यात तर नावलौकिक आणण्याचा प्रयत्न केलेला होता. परंतु आत्ताच गुट्टे मॅडमनी सांगितल्याप्रमाणे ही शाळा मला राज्यात एक आदर्श आणि एक मॉडेल टाईप करण्याची माझी इच्छा आहे. या शाळेला आत्ता नुकताच मागे ISO नामांकन दर्जा प्राप्त झालेला. निश्चितपणे आम्ही या शाळेतील विद्यार्थ्यांना या अत्याधुनिक सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करीत आहोत आणि या अधिकाऱ्यांच्या सहकार्यामुळे एक चांगलं काम या परभणी जिल्ह्यात निश्चितपणे करूया आणि या शाळेचं नावलौकिक पर्यायानं संस्थेचं आणि शासनाचं नाव कसं या निमित्तानं पुढे या दृष्टीने आमचे प्रयत्न राहतील. धन्यवाद. ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी 24/7 माजा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी उन्होंने मिलकर मैं हूँ सैयद अखिल. आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक. आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं. उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें. आप हमें फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम टेलीग्राम व्हाट्सअप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं. मुझे दीजिए इजाजत. जय हिंद. सय्यद बिल्डर यांचे महालक्ष्मी नगरी धर्मापुरी तालुका जिल्हा परभणी प्लॉट विक्री सुरू आहे. उपलब्ध सुविधा एने लेआउट प्लॉटिंगशी अत्याधुनिक सुविधांसह सुसज्ज रम्य नगरी. एने लेआउट असल्याने बँकेकडून तात्काळ कर्ज सुविधा उपलब्ध. प्रत्येक प्लॉटची दिशा पूर्व पश्चिम. LED स्ट्रीट लाईटची व्यवस्था. निसर्गरम्य व भव्य गार्डन. अंतर्गत 50-40-30 फूट मजबूत डांबर रोड व CC नाली. विद्युत पुरवठा व स्वतंत्र DP व्यवस्था. धर्मापुरी पासून 500 मीटर अंतरावर प्लॉट जवळच शाळा आणि कॉलेज उपलब्ध. संपर्क हाजी शोएब 8805847777, सय्यद इम्रान 9421867786, ॲडव्होकेट आशिष सोनी 9422178888, अब्दुल रझाक 7057818999. SK ट्रेडर्स की ओर से तमाम नागरिकों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं. शुभेच्छुक SK ट्रेडर्स दरगाह रोड परभणी. हमारे पास महाराजा बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टी टेबल, चौकी, सभी प्रकार के फर्नीचर कंपनी के दाम में. ग्राहक की खुशी यही हमारा नफा. एक बार जरूर संपर्क करें. एड्रेस SK ट्रेडर्स दरगाह रोड परभणी. मोबाइल नंबर 9881290190. मिर्जा मेस परभणी. अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुफ्त लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी. घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें. मोबाइल क्रमांक 8830266947. महबूब पार्क फंक्शन हॉल मनसब नगर जाम पारवा गेट दरगाह रोड परभणी. शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल मनसब नगर जाम पारवा गेट दरगाह रोड परभणी. बुकिंग शुरू है. मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333. इसके साथ ही 9822829035. हाजी महबूब अंसारी. याद रहे आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं. आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें. समीर टेंट हाउस कुदरती कॉर्नर कादराबाद प्लॉट परभणी. हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा. शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल. मोबाइल क्रमांक 9766683126. SBS English Speaking Classes, मासूम कॉलोनी दरगाह रोड परभणी. अगर आप
घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कॉन्टैक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मोबाइल नंबर 9823797828। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास नानलपेट कॉर्नर पर भणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ, एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार नानलपेट कॉर्नर पर भणी।